मित्रों सब्सक्राइब कीजिए ज्योतिष निकेतन चैनल को और बेल आइकन को दबाइए नई वीडियो देखने के लिए सबसे पहले। मित्रों नमस्कार, आज वेदों के अमृत का स्वाद चखाएंगे। ऋग्वेद के सातवें मंडल के 89वें सूक्त के चौथे मंत्र में बताया गया है कि दुख का मुख्य कारण मनुष्य का अज्ञान है, इसीलिए मनुष्य को ज्ञान बढ़ाकर ऊंचा उठना चाहिए और आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहिए। आत्मज्ञान से संपूर्ण कामनाएं शांत होती हैं। आजकल भौतिक समृद्धि व धन धान्य की प्रचुरता होने के उपरांत भी मनुष्य पहले से अधिक दुखी है। धनार्जन हेतु मनुष्य पागलों की तरह भागदौड़ कर रहा है, पर वह यह नहीं जानता कि इस भागदौड़ का प्रयोजन क्या है। उसको जीवन का परम लक्ष्य ज्ञात नहीं है। सर्वत्र खाओ पियो और मौज करो का सिद्धांत प्रचलन में है। यह सिद्धांत ही दुखों का मूल कारण है। सुख व संतोष तो है ही नहीं, पूरा जीवन कामनाओं और इच्छाओं की पूर्ति में निकाल देता है। सभी दुखों कामनाओं व इच्छाओं से छुटकारा आत्मज्ञान से ही हो सकता है। आत्मा को पहचानने हेतु विवेक और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है। आत्मा को जानना ही स्वयं को जानना है। आत्मज्ञान ही अमरत्व है और इसी में परम शांति है। आत्मज्ञान होने पर मनुष्य का संबंध परमात्मा से हो जाता है, तो वह आत्मबलि बन जाता है। ऐसे में शारीरिक व मानसिक शक्तियों में अविश्वसनीय वृद्धि हो जाती है। फलस्वरूप मनुष्य तेजस्वी व यशस्वी बन जाता है। सुख समृद्धि व शांति तो अपने आप उसके पास आने लगती है। नई चर्चा और नई वीडियो के साथ कल फिर मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों।